नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को जमाई षष्ठी का व्रत किया जाता है। ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। नाम के अनुसार इस दिन जमाई की सेवा और खातिरदारी की जाती है। साथ ही इस व्रत में बच्चों की अच्छी सेहत की प्रार्थना भी करते हैं। इस अनोखी परंपरा का व्यवहारिक महत्व संबंधों को मजबूत करना है। इसी के साथ मौसम को ध्यान में रखते हुए बीमारियों से बचने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में जमाई का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारतीय संस्कृति में उन्हें भी बेटे की तरह ही माना जाता है और ये साल 28 मई गुरुवार को मनाई जा रही है। परंपरा के मुताबिक सास सुबह जल्दी नहाकर षष्ठी देवी की पूजा करती हैं। पूजा के बाद बेटी और दामाद के घर आते ही दोनों की पूजा की जाती है। थाली में षष्ठी देवी का जल, दूर्वा, पान का पत्ता, पूजा की सुपारी, मीठा दही, फूल और फल रखे जाते हैं। जमाई पर षष्ठी देवी की पूजा का जल छिड़का जाता है। इसके बाद उनकी आरती भी की जाती है। फिर जमाई को दही का तिलक लगाया जाता है और षष्ठी देवी का पीला धागा बांधकर हर तरह की रक्षा और लंबी उम्र की कामना की जाती है। बता दें कि षष्ठी तिथि के दिन सुबह जल्दी माँ बहते जल में नहाकर बच्चों को षष्ठी का जल देती हैं। तीर्थ में नहाने के बाद संतान और जमाई की लंबी उम्र की कामना से षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। इसके लिए एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव की महिलाएं खजूर की डाली काटकर थाली जैसा आकार बनाती हैं और उसी में पूजा की सारी सामग्री रख के षष्ठी माँ की पूजा करती हैं। षष्ठी तिथि के दिन सुबह सभी सामग्री हाथों में रखकर नहाकर गीले कपड़े में बच्चों को पंखे से हवा करती हैं ताकि संतान पूरी उम्र हर तरह की शारीरिक परेशानियों से दूर रहे। बच्चों के हाथों में आम, लीची और मौसमी फल दिया जाता है। उसके साथ ही नए कपड़े भी दिए जाते हैं। फिर माँ पानी पीती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।